फिरोजाबाद में अपर जिला जज और विशेष जज पॉक्सो न्यायालय प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। दरअसल थाना नारखी इलाके में 8 साल पहले स्कूल जाते समय छात्रा को भगाने और दुष्कर्म के दोषी सत्यभान को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, आरोपी पर 38,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 महीने ज्यादा सजा भुगतनी होगी। पॉक्सो में प्रथम स्कूल है हमारे यहाँ, अवधेश कुमार साहब जिला जज है वहाँ पर, और उन लोगों के यहाँ यहाँ पैरवी श्रीमान संजीव शर्मा जी हमारे जो विशेष लोग अभियोजन उन्होंने द्वारा की गई है, जहाँ 20 वर्ष का कारावास हुआ सत्यवाल नाम में 2015 का मामला था, थाना टूंडला का साइड नारखी का था, नारखी का मामला था जो जिसमें बलात्कार हुआ था, 363, 366, 376 का मामला था। तो 307 में एक सजा, 4 लोगों को अलग अलग मुकदमों में, एक 376 में सजा 20 वर्ष की जिसमें जुर्माना भी लगाया गया है। इस तरह से आज विशेष उसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सजाओं से संदेश जा रहा है कि प्रतिदिन न्यायालय द्वारा सजा हो रही है, समाज में भय व्याप्त हो कि कम से कम अपराध करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा और निश्चित रूप से उसमें सजा मुकर्रर कराई जाएगी। इस तरह सभी सरकारी वकीलों का प्रयास है, BDGC होने के नाते सबको। बता दें कि थाना फरिहा क्षेत्र की रहने वाली किशोरी 19 सितंबर 2014 को कोटला में मौजूद कॉलेज में पढ़ने गई थी, इसके बाद वापस नहीं लौटी, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाना नारखी में रेप का मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान थाना फरिहा क्षेत्र के बरतरहा के रहने वाले सत्यभान का नाम सामने आया। पुलिस ने जाँच करके सत्यभान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव शर्मा ने सख्त सजा दिलाने की पहल की। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर दोषी सत्यभान को 20 साल कारावास की सजा सुनाने के साथ अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। वकीलों का कहना है कि इस फैसले से आम लोगों में एक संदेश जाएगा कि अगर कोई गलत काम करता है तो कानून उसे जरूर सजा देगा। इस फैसले से लोगों का भरोसा भी कोर्ट की तरफ बढ़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फिरोजाबाद से अरशद अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।